पंजाब दे उगे पत्रकार निरंजन सिंह परवाना दा बीते दिन देहांत हो गया, जिन्हां दे संस्कार मौके विजिलेंस ने जो कार्रवाई की उसकी चौं पास्यों निखेधी हो रही है। दरअसल NS परवाना दा जदों मोहाली दे फेस 6 स्थित शमशान घाट दे विच संस्कार हो रहा सी तां वड्डी गिनती दे विच पुलिस ने शमशान घाट नूं छौणी दे विच तब्दील कर दिता। संस्कार हुंदे सार ही उन्हां दे इकलौते बेटे SP सिंह नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया ते बाकी रस्मां नहीं करन दित्तियां। हालांकि इस मौके देते सरकार का कोई नुमाइंदा तो नहीं पर पंजाब के बड़े सियासतदान भी सन। इस तो अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाल डिप्टी मुख्यमंत्री भी उत्थे मौजूद सन। इस मामले ते वख-वख सियासतदानां ते होर लोगों के की कुछ प्रतिक्रम आ रहे हैं आओ सुनते हैं। गल है कि सब तो अज दुख की घड़ी है क्योंकि परवाना साहब एक वो पत्रकारां दे विच नाम सीगा जिन्हां ने हमेशा सच लिखिया और जिहड़ी भी कल दी जिहड़ी घटना जिहड़ी भी होई आ इह बहुत ही मतभागी है। गल यह कि भगवंत मान जी नूं इहदे उत्ते जरूर जिहड़ा पता करना चाहिए कि सारे कारण की बनिया क्योंकि इहदे नाल नाल जिहड़ी है कि भगवंत मान जी की जिहड़ी छवि भी जिहड़ी खराब हुई है। देखो कल जिहड़ी NS परवाना जी दे संस्कार समय उन्हां दे बेटे नूं मौके तों गिरफ्तार किया गया, उस घटना ने सारे पंजाब नूं शर्मसार किया। और कल भी उन्हां दे अंतम संस्कार दे विच हरियाणे दे मुख्यमंत्री साहब भी आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, पंजाब दी पत्रकारी नाल जुड़ी एड्डी वड्डी शख्सियत सी, हरियाणे दे CM तां आ गए, पंजाब दा कोई भी अधिकारी कोई भी MLA कोई भी मंत्री रूलिंग पार्टी दा उत्थे ना होना, ये अपने आप दे विच जिहड़े एड्डे वड्डे महान पत्रकार दा अपमान वाली गल। और दूजी जिहड़ी अमानवी घटना हुई, असीं तां क्योंकि बाहर आ गए संस्कार तों बाद, हाले बेटा उन्हां दा लोकां दा धन्नवाद कर रहा सी और सानू जो घर आके पता लग्या कि मौके ते ही उन्हें गिरफ्तार कर देंगे। जे किसी के खिलाफ जे कोई केस दर्ज है पुलिस अरैसट कर सकती है, पर इहोजे केस दे विच कि किसी ने फादर का संस्कार है ये तो जिहड़े जेल च बैठे है उन्होंने भी छुट्टी दी जाती भी जाके अपने परिवारक रस्मां जिहड़ियां पूरियां कर लो। भगवंत मान जी की सरकार ने जिहड़ा काम शुरू किया मैं नहीं समझता कि पंजाब की और देश की जनता इनू प्रवान करती। एक जिहड़ा अगों बेटा इकलौता उन्हों उत्थे सामने ही जिहड़ी है संस्कार होंदे ही उत्थे सामने ही अरैसट कर लिया जाए तो परिवार का दुख इन्ना वधाउण दी की लोड़ है। एक पासे भगवंत मान उन्हां ट्वीट आउंदा सवेरे परवाना जी नूं लैके भी दुखदाई घटना हुई है ते दूजे पासे विजिलेंस डिपार्टमेंट भी भगवंत मान उन्हां कोल है इस चीज़ नूं कीवें। देखो सरकार दे हुक्मां तों बगैर कदी एडा वड्डा काम नहीं हुंदा। भगवंत मान जी नूं क्लैरिफाई करना चाहिए कि जिन्हां शख्सियतां नूं जांदिआं तुहानूं सत्कार देना चाहिए आप अगे हो के तो तुहाडा उत्थे कोई नुमाइंदा ही नहीं सीगा। जिहड़ा बंदा 84 साल की उम्र तक भी पंजाबी पत्रकारी नूं जिहड़ा एक जिहड़ा सपोर्ट कर रहा है अपने फर्जां की अदायगी कर रहा उन्हूं पंजाब की धरती के उत्ते इस तरह सन्मान देना मैं समझदा जो सरकार ने किया ठीक नहीं किया। विजिलेंस वालों गिरफ्तारी का जो समा चुनिया गया उसते सवाल इस करके खड़े हो रहे हैं क्योंकि SP सिंह NS परवाना के इकलौते बेटे सी ते उन्होंने ही पिता दी आखिरी रस्मां निभाउणियां सन। हुण इह गिरफ्तारी क्यों हुई है वह भी तुहानूं दस दें। दरअसल PSIDC के कार्यकारी डायरैक्टर SP सिंह ते प्लाटां के घोटाले मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज किया होया। जिक्र खास है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वीरवार को सबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और IAS अधिकारी नीलमा समेत पंजाब राज उद्योगिक विकास कारपोरेशन के 10 सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों विरुद्ध एक उद्योगिक प्लाट नूं एक डिवेलपर कंपनी नूं तब्दील करन वंड करन अते प्लाट कट के टाउनशिप स्थापित करन दी प्रवानगी देन दे इल्जामां हेठ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया सी। इस विच कार्यकारी डायरैक्टर SP सिंह का नाम भी शामिल है। इस केस दे विच विजिलेंस ने PSIDC दे 7 अधिकारियों नूं गिरफ्तार भी किया। NS परवाना दे बेटे दी गिरफ्तारी दी निखेधी इस करके हो रही है क्योंकि उन्हां नूं अपने पिता दी अंतिम रस्मां निभाउण दा मौका नहीं दिता गया। निखेधी करन वालियां दा कहना है कि जेकर उन्हां दा कोई भी कपले मामले दे विच लैण देना तां विजिलेंस उन्हां तों पुछगिछ कर सकती सी पर कुछ समां देना चाहीदा सी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।